सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, क्या भारतीय टीम आईसीसी 2019 का वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 मई से हो चुकी है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 5 जून को खेला गया है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। अभी टीम इंडिया को इस बार राउंड रॉबिन के आधार पर सभी टीमों के साथ 9 मैच खेलने होंगे। टीम इंडिया इस विश्व कप की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं टीम इंडिया को कितने मैच जीतने होंगे। सभी टीमों को एक दूसरे के साथ 9-9 मैच खेलने हैं। जो 4 टीमें टॉप पर रहेगी वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। यदि टीम इंडिया को सेमीफाइनल में मजबूती के साथ प्रवेश करना है तो उन्हें कम से कम 6 मैच जीतने होंगे। 6 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया काफी मजबूती के साथ प्रवेश कर सकेगी और विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को कम से कम 8 मैच जीतने होंगे। इस बार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए काफी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर, क्या भारतीय टीम इस बार का विश्व कप जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।